हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माई सेल्फ अंकुश शर्मा, सीनियर फैकल्टी ऑफ अभिमनु आईएएस। आज का हमारा टॉपिक है इंडो पाक वॉर ऑफ 1965। प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी को आप पैटन टैंक पर खड़े हुए वो पोज दे रहे हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये 1965 की वॉर के टाइम का एक पिक है। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ये वॉर क्यों हुई थी। ओके, इसका बैकग्राउंड क्या था। 1947 से कश्मीर का इश्यू चल रहा था। पाकिस्तान को लगता है कि पार्टीशन का जो एक अनडिसाइडेड इश्यू है वो कश्मीर है, और पाकिस्तान को लगता है कि कश्मीर के बिना वो अधूरा है। बिकॉज स्टूडेंट्स, आप देखेंगे पाकिस्तान, PAKSTAN जो वर्ड दिया गया था बाय रहमत अली, तो रहमत अली ने वर्ड दिया था पाकिस्तान, पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगान प्रोविंस, के फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध एंड तान, बलूचिस्तान का तान। तो इसमें कश्मीर नहीं है अभी पाकिस्तान के पास। दैट्स वाई पहले भी उसने ट्राई किया कश्मीर को जीतने का, अभी फिर से वो ट्राई करता है। 1962 में इंडिया की हार होती है चाइना से। पाकिस्तान को लगता है कि इंडियन फोर्सेस अभी रेडी नहीं है और वो आसानी से इंडियन फोर्सेस को हरा सकता है। ओके, सेकंड थिंग, पाकिस्तान की जो रिवर्स हैं स्टूडेंट, वो कश्मीर से होकर जाती हैं। पाकिस्तान रिवर्स के ऊपर अपना कंट्रोल चाहता है। ओके, 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, बट उसके बाद भी पाकिस्तान सेटिस्फाई नहीं था इस रिवर्स के ऊपर। उसको लगता है कि कंट्रोल पाकिस्तान का होना चाहिए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट, 62 की वॉर के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही थी। हम वेपन्स खरीदने लगे थे और बजट को हमने डाइवर्ट कर दिया था अब हमारी फोर्सेस की तरफ। तो पाकिस्तान को पता है कि अगर ये इस टाइम पर कश्मीर को नहीं लिया गया तो आने वाले टाइम पर फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फोर्सेज जो है इंडिया की वो पावरफुल बन जाएंगी। तो ये कुछ कॉजेस थे और पाकिस्तान डिसाइड करता है कि इंडिया से अब लड़ाई करनी होगी और ये कश्मीर लेना होगा। ओके फ्रेंड्स, अब पाकिस्तान क्या करने वाला था। ओके, तो पाकिस्तान ने एक पूरा प्लान बनाया और उसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। यस, व्हाई ऑपरेशन जिब्राल्टर, और ऐसा क्या हुआ था, पाकिस्तान इतना इंबोल्डन कैसे हो गया कि उसने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। तो फर्स्ट हम ऑपरेशन की बात करते हैं। अगस्त 1965, पाकिस्तान कुछ ट्राइबल्स को रिक्रूट करता है, अपने जो रेगुलर फोर्सेज हैं, रेगुलर ट्रूप्स को उनके साथ कर देता है एंड इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन वो कराता है। मोर देन 20,000 इन्फिल्ट्रेटर्स इंडिया में एंट्री करते हैं। एंट्री करने के उनका ऑब्जेक्टिव था पब्लिक बिल्डिंग्स को टारगेट करना, आर्मी कैंप्स को टारगेट करना, पुलिस स्टेशंस को टारगेट करना और एक कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट करना इंडिया में। वर्ल्ड को यह बताना था कि ये जो पूरी चीजें चल रही हैं, जो वायलेंस हो रहा है कश्मीर में, लोकल्स कर रहे हैं। ओके, तो ये था ऑपरेशन जिब्राल्टर। अब स्टूडेंट, इस ऑपरेशन को इन्होंने इंप्लीमेंट किया एंड पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेटर्स इंडिया में एंट्री करते हैं। लोकल्स को कहीं ना कहीं इंडिया के अंगेंस्ट भड़काने का ट्राई किया गया। ओके, पब्लिक बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया था, बॉम्ब ब्लास्ट किए गए, बट लोकल्स जो थे एज सच पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं जो पाकिस्तान ने सोचा था। ओके, लोकल्स ने इंडियन आर्मी को भी बता दिया कि ये बंदे बाहर से आए हुए हैं और ये कश्मीरी नहीं है। इंडियन आर्मी ने अब यहां पर इनको भगाना स्टार्ट किया और हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऑर्डर दिया आर्मी को कि ये बंदे जहां से आ रहे हैं, एक पास था हाजी पीर पास, उसको आप जो है कैप्चर करिए। इंडियन आर्मी ने एलओसी को क्रॉस किया एंड हमने हाजी पीर पास को कैप्चर कर लिया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, बिकॉज पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हुआ। ओके, क्वेश्चन आता है कि इतना बड़ा स्टेप पाकिस्तान ने कैसे ले लिया। ओके, तो इससे थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। इसका बैकग्राउंड यह था कि अप्रैल 1965 पाकिस्तान एग्रेसिव पेट्रोलिंग करता है रन ऑफ कच्छ।
गुजरात का एरिया जो मार्शी लैंड है, रन ऑफ कच्छ, ये एरिया हमारे कंट्रोल में था। इंडियन आर्मी ने उसको बोला कि आप यहाँ पर एग्रेसिव पेट्रोलिंग मत करिए, पाकिस्तान नहीं मानता है। देन इंडियन आर्मी ने वहां पर कुछ फॉरवर्ड पोस्ट बना ली। देन यहाँ पर क्लैश होती है और इस क्लैश में पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इंडियन आर्मी पर भारी पड़ती है, बिकॉज हमारे इक्विपमेंट, हमारे जो यहाँ पर फोर्सेस थी वो कम थी। पाकिस्तान को यकीन हो गया था कि इंडियन आर्मी अभी रेडी नहीं है और जो 1962 की वॉर में उसकी हार हुई है अभी वो उससे वो उबर नहीं पाई है। देन इसके बाद उसने डिसाइड किया था ऑपरेशन जिब्राल्टर कि ये राइट टाइम है इंडियन आर्मी को हराने का, कश्मीर को लेने का। ओके, देन ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ था। ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हो गया, बट पाकिस्तान के पास प्लान बी था। प्लान बी क्या था? प्लान बी था स्टूडेंट उसका सेकेंड ऑपरेशन, जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। पाकिस्तान के सोल्जर्स, पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेटर्स इस टाइम पर एक सॉन्ग गाते थे, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। मींस पाकिस्तान तो हंस हंस के ले लिया हमने, अब हिंदुस्तान की बारी है और पूरा हिंदुस्तान हम लेंगे। ओके, इंडियन आर्मी को देखना था उसे क्या करना है। तो ऑपरेशन हो चुका था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। पाकिस्तान के पास पेंटन टैंक्स थे, अमेरिका ने उसको न्यू वेपन्स दिए हुए थे। बहुत बड़ा एक ऑपरेशन हुआ और कश्मीर के ऊपर अटैक किया गया, कश्मीर के छंब सेक्टर को टारगेट किया गया। इतना मेजर ऑपरेशन था कि हमारी जो फोर्सेज हैं उनको वहां पर रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव इस टाइम पर है कि अखनूर जो ब्रिज है उसको आपका जो है डिस्ट्रॉय कर देना और जम्मू एंड कश्मीर का जो लिंक है उसको कट कर देना, कम्युनिकेशन को कट कर देना, वो उसे मिल जाएगा। देन इस टाइम पर अब इंडियन आर्मी ने प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी से ये परमिशन मांगी कि हमें परमिशन चाहिए सेकंड फ्रंट ओपन करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने इंडियन आर्मी को ये परमिशन दी कि आपको जो अच्छा लगता है, ठीक लगता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री आप करिए। इंडियन आर्मी ने अब पंजाब का बॉर्डर ओपन कर दिया। पाकिस्तान ने कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस टाइप का भी डिसीजन ले सकते हैं, बिकॉज पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान से एक बार हमारे प्राइम मिनिस्टर मिले थे। उसके बाद अयूब खान ने अपने एक बंदे को बोला था, क्या ये है प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को सक्सीड किया है? तो इस टाइप का वो मानता था कि प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री बहुत ज्यादा वीक हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसको लग रहा था कि इस टाइप का डिसीजन वो कभी नहीं ले सकते हैं। पाकिस्तान ने पंजाब में बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। हमारी फोर्सेज अब पंजाब का बॉर्डर ओपन करती हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर को हमने क्रॉस किया और हमारी आर्मर्ड डिवीजन टैंक्स इन्फेंट्री के साथ पंजाब पर अटैक करते हैं, पाकिस्तानी पंजाब पर। देन पाकिस्तान अब अपनी फोर्सेस को कश्मीर से रीडिप्लॉय करता है पंजाब बॉर्डर पर और हमें वहां पर रिलीफ मिल गया जो हमें चाहिए था। ओके, अब जो बैटल होती है स्टूडेंट वो अब कश्मीर में भी चल रही है, ठीक है, और ये अब पंजाब बॉर्डर पर भी चलने वाली थी। इंडियन फोर्सेस का जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो चुका था। ओके, हमने कश्मीर को बचा लिया था, अखनूर में जो ब्रिज था उसको हमने डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया, जम्मू एंड कश्मीर का लिंक कटने नहीं दिया था, बट अब लड़ाई होने वाली थी पंजाब में। पाकिस्तान ने अपने पैटर्न टैंक्स उस टाइम के, ये बहुत सुपीरियर टैंक्स है स्टूडेंट, और ये टैंक्स पाकिस्तान को दिए थे अमेरिका ने। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था अपने टैंक्स के ऊपर और पाकिस्तान पैटर्न टैंक्स के साथ इंडिया पर अटैक करता है और ये खेमकरण की तरफ आगे बढ़ता है। खेमकरण को जीत लिया गया। इंडियन फोर्सेज ने ये डिसाइड किया कि पहले रिट्रीट किया जाएगा, बाद में जवाब दिया जाएगा और हमारा आंसर आने वाला था, इसको हमने नाम दिया असल उत्तर। तो बैटल ऑफ असल उत्तर, असल उत्तर मींस स्टूडेंट रियल आंसर। ओके, अब हम रियल आंसर को देने वाले थे, बहुत फेमस बैटल होने वाली थी, बैटल ऑफ असल उत्तर। ये बैटल थी, बैटल ऑफ टैंक्स बोलते हैं इसको। पाकिस्तान की फोर्सेज आगे बढ़ रही थी, टैंक्स उसके आगे बढ़ रहे थे। अब हमारे ब्रिगेडियर ने डिसाइड किया कि पहले रिट्रीट किया जाएगा और शुगर केन के जो वहां पर फील्ड थे, ठीक है, वहां पर हमने पोजीशन ली हमारी आर्मी ने।
इस टाइप की पोजीशन बनाई जाती है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं शू शेप पोजीशन। ओके, यहां पर शुगर केन के फील्ड हैं, ये फील्ड्स हैं, इस टाइप की हमारी इंडियन आर्मी ने पोजीशन ली। नाइट में इंडियन आर्मी ने शुगर केन के जो फील्ड्स थे वहां पर वाटर को वहां पर भर दिया। ठीक है, तो वहां पर ट्यूबवेल वगैरह से जो हमारी कैनाल्स होती थी उनको हमने ओपन करके वहां पर पानी पानी कर दिया, मार्शी एरिया बना दिया। पाकिस्तान के टैंक्स आगे बढ़ रहे थे, बट अब उसके टैंक्स बहुत धीरे हो चुके थे, बिकॉज यहां पर मार्शी एरिया बन चुका था और बहुत ज्यादा मड थी, कुछ टैंक्स फंस चुके थे। लड़ाई होती है बैटल ऑफ असल उत्तर, और इस बैटल ऑफ असल उत्तर में हमारी फोर्सेस पाकिस्तान के पैटर्न टैंक्स की ग्रेवयार्ड बनाती हैं इस एरिया में। 90 पाकिस्तानी टैंक डिस्ट्रॉय कर दिए गए, पैटर्न टैंक्स, साथ में कुछ उसके और दूसरे टैंक्स थे, फॉर एग्जांपल उसके शेयरमैन टैंक्स थे, उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया। और इंडिया के ओनली 10 टैंक्स डिस्ट्रॉय होते हैं। बहुत बड़ा सेटबैक पाकिस्तान के लिए। और ये जो बैटल होती है इसके बाद इंडो पाक वॉर भी चेंज हो चुकी थी और अब इंडिया का पलड़ा भारी हो चुका था। इस बैटल में वीर अब्दुल हमीद बहुत बहादुरी से लड़े थे, उनको बाद में परमवीर चक्र मिला था फ्रेंड्स। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इस वॉर को नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसको देखते रहिए सीरीज को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। ओके, थैंक यू।